आज हम आपको रूबरू कराते हैं भाजपा के प्रत्याशी पवन सिंह सम्राट, जो आजमगढ़ सदर लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे इस चुनाव के मद्देनजर। जी, आपके सामने एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, एक तरफ भोजपुरी फिल्म के स्टार निरहुआ जी हैं। आप इन दोनों के बीच में अपने आप को कहाँ पाते हैं? इन दोनों के बीच में हम अपने आप को मजबूत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश जी चुनाव जीतेंगे। वो तो एक दिन के पर्चे दाखिले आए थे, चुनाव लड़े चले गए। और निरहू जी हैं, वो भी आज के बाद हमें नहीं लगता कि हमारे बीच में रहेंगे या चुनाव के बाद रहेंगे। तो ऑलरेडी आजमगढ़ की जनता ये चीज़ जान रही है, जब ये लोग हमारे बीच में रहें तो उनको वोट देना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे आजमगढ़ के साथ छला जा रहा है सन 1996 से, हम लोग आजमगढ़ के लोग बहुत छले हुए हैं, क्योंकि यहाँ के बीच का रहने वाला कोई प्रत्याशी से चुना नहीं गया, इसीलिए हम उनसे मजबूत हैं और जनता हमारे साथ है। और एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे सवार है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। आपका मुद्दा इन दोनों के बीच में क्या? इन दोनों के लिए जो इनका मुद्दा, इनका विकासवाद का जो मुद्दा, हमें तो नहीं लगता इनका विकास कोई है, क्योंकि आज हमारे समाज को इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं जरूरत है, आज हमारे समाज की ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जब यहाँ का लोकल कैंडिडेट रहेगा तभी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। आपको बता देते हैं कि जो विकास के नाम में एक बताते हैं कि PGI मेडिकल कॉलेज है, हम उस मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या करेंगे जब 3 साल से आज तक वहाँ पे जो डॉक्टरों की उपस्थिति होनी चाहिए और या स्टाफ की उपस्थिति, वो वहाँ पे है नहीं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है आजमगढ़ के लिए, इसलिए मैं ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल, आजमगढ़ के जो ये चुनाव चल रहा है इस समय, यहाँ के स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से गायब से हो गए हैं और मैं आप जैसे प्रत्याशियों से भी के मुंह से नहीं सुन रहा हूँ कि आप लोगों का आजमगढ़ के लिए एजेंडा क्या है, तो अपना एजेंडा क्या है इसको बताने का। सर, हो सकता है आज तक मेरा एजेंडा आप तक पहुँचा नहीं, क्योंकि हम बहुत छोटे प्रत्याशी हैं, तो जो यहाँ की मीडिया है वहाँ तक हमारी बातें नहीं पहुँच पाई हैं। अगर हमारा कोई एजेंडा पड़ेगा तो पहला तो मेरा एजेंडा है कि हर घर परेशान है शिक्षा से। आज हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी आज हर लोग प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर है। पहला एजेंडा मुझे ये ख़त्म करना है। दूसरा एजेंडा हमारी जनता की शिक्षा व्यवस्था, अरे स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ पे हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी सरकारी अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक बदहाल है। तो दूसरा हमारा मुद्दा इसको ख़त्म करना है। तीसरा, जो हमारी जो यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है 300 या 500 बेड के हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए मुझे काम करना है। यहाँ की जाम व्यवस्था के लिए काम करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे रेलवे की समस्या, हमारी आबादी के अनुसार यहाँ पे दिल्ली मुंबई कोलकाता के लिए ट्रेन की कमी है, उसके लिए काम करना है। और फिर नशा, जो हमारे समाज को नाश करने का काम कर रही है, नशा की जो समस्याएं बढ़ती जा रही है उसके लिए हमें काम करना है। ये हमारे मूल रूप से एजेंडे हैं। और इसके बाद भी हम और भी बहुत ढेर सारे एजेंडे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायतें, देखिए किसी भी देश की सबसे प्राथमिक इकाई हमारी ग्राम पंचायतें हैं, और ग्राम पंचायतों में इतनी ढेर समस्याएं हैं। और ये समस्याएं इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं आज तक चुने जाते हैं और चले जाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ ग्राम पंचायतों की। हमारे यहाँ एक सेक्रेटरी काम करता है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। एक दुकान पर बैठता है लेखपाल है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। हमारे ग्राम पंचायत में जितने कर्मचारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। तो हमारा एजेंडा है बस आजमगढ़ को मजबूत करना। दूसरा एक और सवाल जो यहाँ की पार्टियों द्वारा उठाया जा रहा है कि वो आप लोग जो है कभी सपा वाले आपको भाजपा का एजेंट बता रहे हैं, तो कभी भाजपा वाले आपको सपा का एजेंट या भी पार्टी का करके संबोधित कर रहे हैं। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना कि अगर वो कहेंगे नहीं तो हम तो फाइनल, और जो उनको ये लग रहा है कि उनको तो हमसे डर है, इसीलिए ऐसा कह के हम लोगों को करते हैं, जो कि हमारे जो मेन मुद्दे हैं आजमगढ़ के मुद्दे हैं। अगर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आजमगढ़ की लड़ाई है, और मैं आजमगढ़ के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये अपनी लड़ाई समझें, क्योंकि हमारा जिला 23 साल से सांसद विहीन है। और मैं आजमगढ़ से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम 5 साल बचा लें, और 5 साल में उनका बेटा वो करके दिखाए जो नरेंद्र मोदी और अखिलेश भी नहीं करके दिखा होंगे। हमें सांसद की लड़ाई नहीं, हमें यहाँ पे जो नहीं लोग कर पाए हैं, जिससे जनता घुमरा है, उसको करने के लिए हम आपके बीच में आए। एक आखिरी सवाल, यहाँ पे दोनों धन कुबेर लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा परिवार, एक बड़ा बैकग्राउंड उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, काफ़ी बड़ा है, पॉलिटिकल रूप से काफ़ी समृद्ध है। दूसरे भोजपुरी के उतने ही बड़े कलाकार हैं, और यहाँ पे मैं गांव गांव घूम रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है उसको अमिताभ बच्चन, भोजपुरी का अमिताभ बच्चन कहा जा रहा है। इसके बीच में आप अपने को कहाँ देखते हैं? क्या आजमगढ़ की जनता आपको
चुनेगी। आजमगढ़ की जनता को इसलिए चुनना चाहिए कि देखिए जो एड वही करता है जिसका माल खराब होता है, और आपका और जो मैं प्रत्याशी हूँ, मैं पिछले 5 साल से जनता के लिए काम करूँ, मुझे ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि ऐड में जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चे को तो मुझे सेविंग करनी है नहीं। अगर जनता मुझे जिताती है तो विदाउट सेविंग मुझे जनता का सेवक बन के काम करना है, और मैं अगर जनता के बीच में आया हूँ तो जनता का सेवक बन के आ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव यहाँ पे आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, निरहू जी हैं किसी नुक्कड़ पे खड़ा होकर बुलाते हैं, और आपका पहला ऐसा कैंडिडेट जो घर घर जाके मिलता है। तो अब जनता को तय करना है कि घर घर पहुँचने वाला कैंडिडेट चाहिए या अपने पास बुलाने वाला। तो हम जनता के सेवक हैं, और मेरा कोई खर्चा इसलिए नहीं क्योंकि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, खर्चे तो उनको करने जो एक हफ्ते पहले चुनाव के मैदान में आए हैं। ये थे आज हमारे निर्दल आजमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी, और अब जनता के इनका भविष्य जनता के हाथों पे निर्भर है।